हाय फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं सीवी फोटो एडिटिंग, जिसमें अपने फेस स्मूथ और अपने लिप्स को कलर करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना। सबसे पहले जो लोग चैनल पे नए आए हो, वीडियो को करो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुँच जाए। तो उससे पहले आप अपने फ़ोन को कर लीजिए रोटेट और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑटोडेस्क के अंदर अपने फोटो को ओपन कर लेना है। ओके, उसके बाद हम इस फोटो का जो है बैकग्राउंड का कलर चेंज करेंगे। ओके, तो इसके लिए एक कॉपी लेयर बनाएंगे इसका, उसके बाद HSL एडजस्टमेंट पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ से करेंगे ह्यू चेंज। तो यहाँ से हम रखेंगे स्काई ब्लू टोन। ओके, यहाँ से करेंगे डन। डन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उस वाले लेयर को हम इस वाले लेयर के नीचे रख देंगे, और ऊपर वाले लेयर को क्लिक करने के बाद हम अपना पेंसिल जो है मीडियम ब्रश रख के कुछ इस टाइप से इरेज करेंगे अपने बैकग्राउंड को, जिससे वो सिर्फ हमारे बैकग्राउंड का कलर चेंज हो। ओके, तो सिर्फ ओनली बैकग्राउंड पे अपने रिमूव करेंगे। ओके, तो इसे मैं जल्दी से रिमूव कर लेता हूँ। ध्यान रहे फ्रेंड्स, अगर आपका थोड़ा सा भी बॉडी पे ये टच हुआ पेंसिल, तो उसका भी ह्यू चेंज हो सकता है। ओके, तो इसे थोड़ा आराम से करिएगा। फाइनली जो है हमारा बैकग्राउंड का कलर चेंज हो चुका है। अब हम करेंगे अपना फेस स्मूथ। ओके, तो फेस स्मूथ के लिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे पेंसिल वाले ऑप्शन में, और यहाँ पे स्मूथ वाले ऑप्शन में आपको कुछ पेंसिल्स मिल जाएंगी, बट आपको ये वाला पेंसिल यूज़ करना है। ओके, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद साइज जो भी आपको अच्छा लगे आप लोग रख सकते हैं। ओके, और उसके बाद अपने फेस को हम स्मूथ करेंगे। तो मैं इसे जल्दी जल्दी से स्मूथ कर लेता हूँ। तो आपको ध्यान रहे दोस्तों, जब भी आप फेस स्मूथ करते हैं, जिस तरह का आपका मतलब आपका फेस का जिस तरह का शेप होता है, उसी शेप में आपको पेंसिल को भी चलाना चाहिए। इससे क्या होता है ना, जो हमारा फेस है वो अच्छे तरीके से स्मूथ होता है। तो बहुत लोग होते हैं ना, बस ब्रश सेलेक्ट किया उसके बाद करने लगते हैं स्मूथ, जिससे उनका बहुत ही ज़्यादा फेस में ब्लर आ जाता है और अच्छे से स्मूथ नहीं होता, फिर कहते हैं कि वो अच्छे से स्मूथ नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तो ये प्रॉब्लम आती है उनके साथ। ओके, तो ध्यान रहे, आपका शेप जिस तरह का मतलब आपकी बॉडी का जिस तरह का शेप है, उस शेप में ही आपको पेंसिल को भी चलाना है, जिससे आपका फेस बहुत ही अच्छा सा स्मूथ होता है। बॉडी हो या फेस हो, आपको बहुत अच्छे से स्मूथ होगा। तो मैं इसे जल्दी से स्मूथ कर लेता हूँ। फाइनली हमारा फेस स्मूथ हो चुका है, और आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप स्मूथ के बाद। ओके, अगला जो प्रोसेस है, हम लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इस वाले लेयर का एक डुप्लीकेट लेयर लेंगे। इसको लेने के बाद इसका जो ब्लेंड मोड है उसे हमको रखना है ऐड। ओके, तो उसको ऐड करने के बाद अब क्या करेंगे, हम कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और पेंसिल पर क्लिक करके हम इस वाले कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस वाले कलर को सिलेक्ट कर लिया, देन इसको हम करेंगे डिलीट। डिलीट करने के बाद प्लस पर क्लिक करेंगे और एक एम्प्टी लेयर लेने के बाद इसका जो ब्लेंड मोड है उसको करेंगे सॉफ्ट लाइट। सॉफ्ट लाइट करने के बाद पेंसिल के साइज को थोड़ा सा बड़ा करेंगे और अपनी बॉडी पे कुछ इस टाइप से पेंसिल को चलाएंगे। आप लोग देख सकते हैं हमारी जो फेस का है कलर, वो कितना मस्त चेंज हो रहा है। तो ये ट्रिक है बहुत ही अच्छा सा, आप लोग यूज कर सकते हैं, बहुत ही काम आने वाला है आपके, बहुत ही ज़्यादा यूजबल होगा आपके लिए ये ट्रिक। ओके, अब जल्दी से अपनी बॉडी पर अप्लाई करके आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। फाइनली फेस का जो कलर है वो चेंज होने के बाद हमारी फोटो में बहुत ही अच्छा सा एक लुक आ रहा है। अब जो अगला प्रोसेस है, अपने आइज़ को थोड़ा सा डार्क करेंगे, तो ओपेसिटी और साइज़ को हम लोग थोड़ा सा कम करेंगे। उसके बाद अपनी आंखों पर से हम इस कलर को इरेज करेंगे कुछ इस टाइप से। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं हमारी आँखें डार्क हो चुकी हैं, और यहीं से अपने लिप्स के भी कलर को हम लोग इरेज कर लेते हैं। ओके, तो ये इरेज हो चुका है। अब हमारा जो अगला प्रोसेस ये है, हम लोग थोड़ा सा अपने हेयर्स के अंदर कॉन्ट्रास्ट डालेंगे। उसके लिए हमको लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसी वाले लेयर का एक डुप्लीकेट लेयर बनाना है। तो इसको बनाने के बाद इसका जो ब्लेंड मोड है उसको हमको रखना है ओवरले। ओवरले करने के बाद हमारे फेस पे बहुत ही अच्छा सा एक कॉन्ट्रास्ट पड़ेगा, बट हमको इतना नहीं रखना है। इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम करेंगे और पेंसिल वाले ऑप्शन में जाएंगे, और इसके ओपेसिटी और साइज़ को बढ़ाने के बाद हम अपने बॉडी से इसको इरेज कर लेना है कुछ इस टाइप से, जिस टाइप से मैं इरेज कर रहा हूँ। बस रुमाल और जो हेयर है उसी पर हमको नहीं इरेज करना है, बाकी सभी जगह से हमें इसे इरेज कर लेना है। इसको इरेज करने के बाद इसके ओपेसिटी को हम थोड़ा सा अब इंक्रीज़ करेंगे। इंक्रीज़ करने के बाद हमारी फ़ोटो कितनी ज़्यादा ऑसम लग रही है आप लोग देख ही सकते हैं। अब हमारा जो लास्ट प्रोसेस है उसे भी कम्प्लीट कर लेते हैं। तो लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे
और लेयर पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ से प्लस पे क्लिक करके एक डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे और इसकी जो ब्लेंडिंग मोड है उसको रखना है सॉफ्ट लाइट। सॉफ्ट लाइट करने के बाद हम लोग कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पिंक कलर को चूज करेंगे। पिंक कलर को चूज करने के बाद हम अपने लिप्स के कलर को चेंज करेंगे कुछ इस टाइप से, जिस टाइप से मैं कर रहा हूँ। तो अपने लिप्स पे कुछ इस टाइप से हम लोग कलर कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम लोग चलेंगे लेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लेयर पे क्लिक करने के बाद इस वाले लेयर को क्लिक करके हम लोग इसकी जो डार्कनेस है उसे बढ़ाएंगे और सैचुरेशन को थोड़ा सा कम करेंगे, जिससे हमारे लिप्स का जो कलर है बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है। अब मैं आपको बिफोर या आफ्टर करके दिखाता हूँ हमारी फ़ोटो पहले कैसी थी और अब कैसी है। ओके, तो लेयर पर क्लिक करता हूँ और बिफोर या आफ्टर, बिफोर आफ्टर आप लोग देख सकते हैं कम समय में हमने बहुत ही अच्छी सी फोटो एडिट की। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आपके भाई को थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलना कि आप लोगों को किस टाइप की वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।